पाजी हजूरे वाला क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद शाहिद एंड सोनाक्षी। पाजी शो की तरक्की, इतनी तरक्की कैसे होगी इतनी जल्दी? शाहिद कपूर दो बार आया, मैं तीसरी बार बैठी हूँ उस काउच पे, और अब तो हम होस्ट भी कर रहे हैं। ओए यार कमाल कर दिया। अच्छा शो होस्ट ये करें तो मैं पीछे बैठ के क्या ऑमलेट बनाने वाला हूँ भाई साहब? ये व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय बैक? वैसे हमें भूख लग रही है, तुम कुछ भी बना सकते हो। नहीं ये क्या मतलब, आप कैसे भाई साहब, क्या मतलब? तेरी दुकान बंद। अब सर आपका शो इतना पॉपुलर हो गया है कि अब तो जो भी यहाँ आएगा वो तो इसको होस्ट करने की कोशिश करेगा ही, आपकी पोजीशन काफी डेंजर में है। हाउ आर यू सोनू? आई एम फाइन कपिल। You love me so much, na? Too much. Three much. Ow! Sambhal! Dekho. It's okay. Jhelna padta hai. Har achhi cheez ke saath na, kuch aisa zarur hota hai. Anyways, ab agar inhone show open kar hi diya to ek bar zordar taaliyan. Sonakshi Sinha! और सुनाइए कैसे हैं? बस मतलब ठीक ही है, जब तक आप आए नहीं थे सब अच्छा चल रहा था। इतना शाहिद शूटिंग में बिजी रहते हो, दाढ़ी बनाने का भी टाइम नहीं लगता मतलब? पिछली बार आया थोड़ी कम थी, इस बार और थोड़ी ज्यादा है। मैं एक्चुअली पाजी से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड हूं। अच्छा। तो मैं उनके स्टाइल को थोड़ा कॉपी कर रहा हूं। और सुनाओ सोनाक्षी, क्या ये पैर पे क्या बांधा हुआ है? ये आधी जुराब क्यों पहनी हुई है? बांधी तो पट्टी है। और ओ गॉड, आपको चोट लग गई? जी चोट लग गई। डोंट वरी, मेरे भाई से माने। नहीं, तुम लोग तुम इसको ऑक्यूपाइड रहो, मैं होस्ट शो होस्ट करता हूं। ये चोट कैसे लगी सोनाक्षी? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? ये सुनो, भैया संभालेगा। मैंने बोला डोंट वरी, टेंशन ना लो, कपिल भाई से माने मेरा, तुम जा बैठे ठीक है। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल भैया। दिल टोटे टोटे लोग फिर कर लीजिए, मैं जाता हूँ। हद होती बारी जो आता भैया कहता, मेरे मुंह पे क्या लिखा हुआ है? चलिए खैर। अच्छा मैंने तो सुना था पूरे काफी लोग आने वाले हैं, तो आप तो दोनों नजर आ रहे हैं मुझे। आप तो पहले ही सोनाक्षी को सोनू सोनू बोल रहे हैं, फिर आगे हम कैसे इनवाइट करेंगे लोगों को? अच्छा हाँ। और कौन आ रहा है मतलब? प्रभु बैठ गए सारे? हाँ जी, और सुनाइए। हमने अपने हिसाब से सोफे रखे, हमें क्या पता पूरी पूरी टीम आ जाएगी। कैसे प्रभु सर? अच्छा अच्छा, मेरे प्रभु सर इतने फेवरेट है मेरे, मतलब मैं दिल करता है इनको परमानेंट रख ले शो पे। लेकिन इनकी फीस बड़ी है। सो प्रभु सर वी लव यू। मी टू। सोनू मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं और बड़े अच्छे कलाकार भी हैं। सोनू जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था तो ये विलन वाले किरदार क्यों कर रहे हो आप? मतलब क्या यार, इतने स्मार्ट आदमी हो आप, मतलब विलन कैसे बने आप? और आपने विलन बन के तंग भी किया सोनाक्षी को? नहीं मैंने बहुत ज्यादा एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। मैंने एक्चुअली बहुत इंप्रेस करने की कोशिश की है। अच्छा। बहुत इंप्रेस करने की कोशिश की है फिल्म में, काफी कुछ सीखा है, यू नो, डांस सीखने की कोशिश की है, इंग्लिश बोलने की कोशिश की है। सोनाक्षी से डांस सीखा? पोएट्री, पोएट्री काफी मैंने मारी है, तो आई थिंक। अच्छा, तो डांस आपने सोनाक्षी से, इसी चक्कर में पैर तोड़ा बैठी। और एक और चीज सोनू बहुत अच्छी करते हैं, चेस्ट वाला एक बार दिखाना। जिप है यार, एक बार आ जाना भाई, आ जाना। मुझे भी अच्छा लगता है। करवा दे यार, पर बुरा ना मान जाए बंदा, आते मेरे कपड़े उतरवा दिए। चलिए निकालिए, पांच पांच रुपए, पांच पांच रुपए। वो करना, फिर मैं आगे तुझसे डायलॉग पूछूंगा। वो एक हमारा जो फिल्म के अंदर एक डायलॉग है। हाँ। जो शाहिद के साथ ही है हमारा। हाँ। हाँ। तो मैं उसमें नहा रहा हूँ। दो लड़कियां नहला रही हैं और मैं नहला रही हूँ। जस्ट इमेजिन की लड़कियां नहला रही हैं। कपिल आप बन सकते हो यार, नहला रहे हो आप। कपिल नहला रहे हैं। मैं इनसे आगे पूछता हूँ, बीओ जी ये मांसा की लकड़ी है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, बीओ जी आप नहाओ ना, आप नहलाओ उनको। इतना हार्ड आप इसमें ना कोल्ड ड्रिंक खोल सकते हो अभी में डाल के। इतना मतलब तो
अच्छा मैं नहला रहा हूँ इनको। आप नहला रहे हो? मैं नहला रहा हूँ। और मैं आगे पूछता हूँ, स्कूल जाना है जी, ऐसा बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा? तेरी फड़का 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 के एक मैं बात कहनी चाहता हूं कि इन्होंने बैक टू बैक इतनी धड़ाधड़ फिल्में दी हैं प्रभु सर आपने। प्रभु सर आप इतना कम क्यों बोलते हैं? एक मैं बात पूछने जाता हूं आपसे, ऐसा मतलब क्यों? आप इतने शाही हैं, मैं समझता हूं, पर मतलब नो आइडिया क्यों? मैं बताऊं जी, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऊपर वाले की माया देखिए, जिनसे हमने सवाल पूछा उन्होंने 3 लफ्जों में खत्म कर दिया, उनसे हमने पूछा भी नहीं उन्होंने 15 लाइनें बोल दी। प्रभु सर एक बात माननी पड़ेगी, आपके डांस स्टेप इतनी मूव्स जो होती हैं इतनी फास्ट होती हैं, सामने वाला समझे इससे पहले इनका स्टेप खत्म हो चुका होता है। हाँ। और वही चीज ये आजकल फिल्मों में भी दिखा रहे हैं, हम पे पता भी नहीं चलता, हम अभी पैकअप भी नहीं किया होता, आप फिल्म बना के हिट करके घर से राम कुल्चे छोले खा के सो रहे होते। सर इतनी एनर्जी, मतलब आपको दिल नहीं करता रेस्ट भी करें? आप इतनी हिट दे रहे हैं, हाजमा नहीं खराब होता? मुझे पता आंसर, मैं कुछ भी बोलूं, मेरा सवाल चाहे 100 लाइनों का हो, इनका जवाब जो है वो 1-2 शब्दों का ही होता है। चलिए खैर, जैसे कि आप सब जानते हैं सोनाक्षी जो है पहले भी शो में आ चुकी हैं, शाहिद भी आ चुके हैं, प्रभु सर भी आ चुके हैं, सोनू मेरा भाई आज पहली बार आया है। सोनू आपने एक बड़े छोटे से शहर से आके मुंबई में आके फिल्मों में शुरुआत की, आपने एज ए हीरो आए, फिर आपने विलेन भी अलग अलग तरह के किरदार किए, मतलब ये तो खैर आपने सोचा होगा कि यार मैंने मतलब जाके स्ट्रगल करनी मुंबई में अपना नाम बनाना, ऐसा कभी सोचा था कि कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा? मैं उससे आता हूँ कि जब भी मैं पंजाब मोगा जब भी मैं जाता हूँ मैं बोलता हूँ उनको यार कि देखो मैंने ये फिल्म की, मेरी यार राजकुमार आ रही है, हैप्पी न्यू, वो कहते सब ठीक है यार, पहले जब कॉमेडी नाइट्स में जाएगा ना तब बात कर रहा हूँ। सोनाक्षी तीसरी बार आई हैं, प्रभु सर दूसरी बार आए हैं, शाहिद भी दूसरी बार आए हैं। अच्छा आप ऊपर वाले का कर्म देखिए, लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों में भी मतलब इतनी कशिश है कि मतलब मेरे में क्या है ऐसा? हम भी ढूंढ रहे हैं। इसीलिए बार बार आया कि ढूंढे तो सही है क्या इसमें। चलिए खैर, आज कोई परिवार का मेंबर डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्योंकि वैसे ही जगह नहीं बैठने की, कहां बैठेंगे आप? मैं पहले ही यहां बैठ जाता हूं। क्या लेंगी आप? मेरे गोद में नहीं आकर बैठ गए, थैंक गॉड। ओह माय गॉड, इतने सारे पब्लिक, तूने बताया नहीं तू इलेक्शन में लड़ रहा है? बुड्ढन चश्मा लगा के देख, हमारे गेस्ट हैं ये। अच्छा एक मिनट पकड़ना। आप लोग आ गए, आप लोग वक्त के इतने पाबंद है, एक्सक्यूज मी, हाथ हटाना। दादी हर कुछ तेरी तरह नहीं है, तेरा भी टाइम हो गया, जा भगवान से मिलके आ जा। मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? आई शुड आई गो टू द भगवान्स व्हेन भगवान हिमसेल्फ इज पेट्रिफाइड हियर। प्रभु, स्वयं प्रभु आए हमारे द्वार। हाय प्रभु। दादी प्लीज कम हियर। दादी दादी सोनू बुला रही है तुम्हें। प्रभु एंड देवा, दो बाय वन गेट वन फ्री। ओह माय गॉड, हे प्रभु, इतनी शर्माते हो आप, इतना तो मैं अपनी जवानी में नहीं शर्माती थी। एक मिनट, मैंने टच क्या किया? एक मिनट जरा देखो, शर्माओ मत, एक मिनट, जस्ट कीप योर हैंड हियर, हैंड हियर, सर यू नीड हेल्प, जस्ट लेट मी सी, एक मिनट, सोनाक्षी लेट मी सी। अरे आपको बॉडी टच ही करनी है तो आप सोनू की बॉडी टच करो। अरे शाहिद तुम समझ नहीं रहे हो, टच करो, देखो एक बार टच करो, इतनी सी कमर है इनकी, इतनी सी, सच में
सिद्धू पाजी, प्रभु की कमर से बड़े तो मेरे डोले हैं। सच में चेक करो, चेक चेक करो, फील करने नहीं देते। करो करो यहीं से। सच कह रही हूँ, मैं तो पागल हो ही जा रही हूँ कि आज मुझे प्रभु के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। करो करो अपनी तरफ से। दादी तेरे को पता है उनकी स्पीड कितनी है? तेरा एक स्टेप खत्म नहीं होना, इन्होंने खत्म खत्म करके घर जाके सो भी जाना है। तू नहीं कर सकती उनको मैच। अरे क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता नहीं है शायद, लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम सबको इंप्रेस करने के लिए ना मैंने बता दूं, तू जाके महेश भट्ट साहब के साथ डांस कर। तू क्या तेरे तेरे जो तेरे जोन में नहीं आते दादी? मैं महेश भट्ट साहब के साथ क्यों डांस करूं? आप प्लीज तंग ना करें दादी उनको। माय गॉड, बिच्छू तूने बताया नहीं शहर में नया माल आया है। मेरा मतलब है हमारे घर में नया मेहमान आया है। सोनू दादी, सोनू दादी उठ जा, इंटर उठ जा दादी, एक पप्पी दे दिया तू। थैंक यू दादी। दादी आज पता लगा तुझे? इससे पहले कि मैं लूं इसने इतना बाका नौजवान। ओह माय गॉड, निहाल कर दिया। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि आज हमारा तुम लोगों के साथ कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए हम लोगों ने तैयारी करके आई है। तो थोड़ा सा वार्म अप कर ले प्रभु। लेट्स डू वार्म अप। कम साक्षी, शाहिद, सोनू भाई, प्रभु सर, यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, कुछ उनके मन में फिल्म को लेकर भी सवाल है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक करके अपने चहेते कलाकारों से अपने मन की बात कर सकते हैं। जी, मेरा नाम चंदन है, मैं खुर्दा से आया हूँ। चंदन जी, हाँ जी चंदन जी, ये जो आपने ये करवाया है, हाँ जी, ये आपने स्केल रख के ऐसे बड़ी कट टू कट की शेव इन्होंने है ना, बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स में से निकाल के उसमें से बात। ये टेलर से कटवाई दाढ़ी आपने, टेलर से? जी चंदन जी, क्या सवाल है आपका? प्रभु देवा से एक सवाल है, बड़े बड़े कलाकारों ने आपने उनको नचाया है, कभी आपने आम आदमी को नचाया है? आप have you ever made a normal person dance? You will be always made stars dance. Yeah, I will. If you want? You want? हाँ, thank you. I have done this before, but still I will do again. अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की प्रभु सर? Yeah. आपने दाढ़ी यहाँ पे रखी हुई ना, इन्होंने पीछे रखी हुई, दिखाइए सर। अच्छा, ओके ओके। Let it, I will teach the moment, then we will go like that. Okay, okay. अच्छा, you know to put the bulb. Put it. अच्छा. Bulb घुमाना है, संतरे नहीं तोड़ने हैं। Slowly, अच्छा, ये tap tap close करना क्या बोल? Tap tap close. मैं भी सीखता हूँ साथ साथ. Tap tap close कर दीजिए. ये cigarette है ना? Cigarette. ओ. हाँ. ये मैं क्या? अच्छा, बोल. Sound. अभी चंदनी सोच रहे कि ये step तो हमेशा मेरी बीवी जब वहीं करती जब मैं घर जाता हूँ. नहीं. आ गए आप. आ गए आप. ये इसी step की वजह तो सर से बाल उड़ गए सारे. चंदनी शुक्रिया. Thank you so much.